हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव, उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम फंडामेंटल में आज पहला टॉपिक देखेंगे, क्रच वर्किंग। क्रच वर्किंग एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर कंप्यूटर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्रच वर्किंग। क्रच वर्किंग एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, तो इसको देखेंगे अपन आज। क्रच वर्किंग, क्रच क्या होती है? क्रच को हिंदी में बोलते हैं बैसागी। जैसा कि देखा है आपने डायग्राम, ये होता है क्रच का डायग्राम। इसको क्रच को अपन यूज क्यों करते हैं ये देखेंगे। जब पेशेंट है, जो अपना वेट है, जो बहुत लेग्स पे बियर नहीं करेगा, तो अपन क्रच की हेल्प से क्या करेंगे, वॉकिंग करेंगे। इसलिए इसका यूज करते हैं क्रच का। क्रच की हाइट क्या होती है, इसको कैसे यूज करेंगे, ये सब अपन यहाँ सब देखेंगे। तो क्रच की सबसे पहले अपन देखते हैं क्रच की हाइट क्या होती है, कौन सा पेशेंट कितनी हाइट की क्रच यूज करेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, उसकी सहायता से अपन हर पेशेंट का जो कितने लेंथ की जो क्रच यूज करेगा वो निकालने का तरीका देखते हैं। तो क्रच हाइट, क्रच की हाइट क्या होगी, जो पर्सन की हाइट है उसमें से 16 इंच लेस कर देंगे। 16 इंच लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्रच की लेंथ आ जाएगी। क्रच जो जो पेशेंट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट हाइट होती है, तो उसके उसके लिए क्रच की जो हाइट होगी वो भी अलग अलग होगी। तो एग्जाम में अपन को दे सकता है कि अपने पर्सन की जो हाइट है, पेशेंट की हाइट है वो इतनी है, तो अपन इसमें से 16 इंच लेस कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, क्रच की लेंथ आ जाएगी। तो एग्जाम में अपन क्वेश्चन पूछ सकता है इसके बारे में कि पेशेंट जो है, जो ये इतनी हाइट का पेशेंट है, तो कितनी लेंथ की जो क्रच यूज करेगा। उसके बाद देखते हैं अपन जो क्रच को यूज कैसे, फर्स्ट क्रच को यूज कैसे करेंगे। तो देखेंगे जो अपना ये पॉइंट है, ये जो ऊपरी पूरा पॉइंट है, ये अपना पॉइंट है एक्सिलरी पॉइंट या पार्ट। ये है ये और ये पार्ट है वो है, इस यहाँ पे क्या करेगा, हैंड को होल्ड करेगा। देन ये है एंड पॉइंट क्रच का। तो सबसे पहले देखेंगे जो क्रच का एक्सिलरी जो पार्ट है, जो एक्सिला है अपनी, जो एक्सिलरी पार्ट है क्रच का, वो अपने कहाँ सेट होगा। तो ये अपना क्रच है, तो एक्सिला है, ये अपने को बिल्कुल फिक्स सेट नहीं करना है एक्सिला में। यहाँ गैप रखना है 2 2 3 फिंगर का। क्यों रखना है ये बताएंगे अभी। तो सबसे पहले देखेंगे अपने यहाँ क्या रखना है, गैप रखना है अपने को, गैप बिटवीन एक्सिला एंड एंड क्रच 2 2 3 फिंगर, 2 2 3 फिंगर गैप रखना है। क्यों रखना है ये देखेंगे। अगर अपन ने पूरा वेट जो अपन ने क्रच पे डाल दिया, जिससे क्या होगा, अपना जो ब्रेकियल नर्व है वो क्या, जो ब्रेकियल फ्लेक्सेज है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अपने को वेट एक्चुअली पार्ट में देखे कहाँ होल्ड करना है, जो ये हैंड होल्ड है, पूरा वेट क्या देना है, हैंड होल्ड इस पे देना है, हैंड रिस्ट पे, जिससे क्या होगा अपना एक्जिलरी जो एक्जिलरी पॉइंट है उसका वेट जो एक्जिला पार्ट में नहीं आएगा, और क्या होगा इससे अपना क्या होगा, ब्रेकियल जो फ्लेक्सेज है वो डैमेज नहीं होगा। इसलिए अपन यहाँ क्या रखते हैं, 2 से 3 फिंगर क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। तो क्या होगा अगर अपन ने पूरा वेट डाल दिया एक्जिलरी पार्ट पे अपना, तो क्या होगा, एक कॉम्प्लिकेशन होगा, क्या होगा, ब्रेकियल फ्लेक्सेज क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और ब्रेकियल फ्लेक्सेज डैमेज होगा, उसकी वजह से क्या होगा, अपना जो रेडियल नर्व है, रेडियल नर्व अपनी वो क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी। और अपनी जो ब्रेकियल नर्व इंजर्ड हो जाएगी तो उससे क्या होगा, अपना जो रिस्ट है वो ड्रॉप हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो अपनी रेडियल नर्व इंजर्ड हो जाएगी तो अपना क्या होगा, रिस्ट क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। ये क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट बठिंडा एम्स का एग्जाम लगा था उसमें पूछा गया था। बठिंडा एम्स में अभी लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रच वॉकिंग का जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, वो था रिस्ट ड्रॉप। इसके बाद अपन देखते हैं लेटरल डिस्टेंस। इतना समझ में आया, तो पहले अपन देख लेते हैं इसका हैंड फ्लेक्शन, हैंड फ्लेक्शन
फ्लेक्शन, हैंड फ्लेक्शन क्या होता है, अपन जो क्रच को पकड़ेंगे इधर से होल्ड करेंगे तो जो अपना एल्बो है इसमें फ्लेक्शन बनेगा, कितना बनेगा 20 से 30 डिग्री। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अपन पेशेंट है जो क्रच को होल्ड कर रखा है तो उसका एल्बो फ्लेक्शन कितना बनेगा, तो वो है 20 से 30 डिग्री। उसके बाद देखते हैं अपन जो क्रच है और जो पेशेंट की बॉडी है उसके बीच में जो गैप है, लेटरल गैप है, वो कितना होगा, वो होना चाहिए हाफ फिट। ये क्रच है और ये पेशेंट की बॉडी है, इसके बीच में जो गैप है वो कितना होना चाहिए, हाफ फिट। तो लिखेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट, गैप बिटवीन क्रच एंड बॉडी या लेग, तो इसमें कितना होना चाहिए, हाफ फिट, इतना गैप होना चाहिए, तभी क्या क्रच का और पेशेंट क्या बन पाएगा, बैलेंस बन पाएगा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं अपन जो नर्स है, जो पेशेंट जो यूज़ कर रहा है क्रच, जो उसका वीकर साइड है यानी कि अफेक्टेड साइड है, उस साइड में नर्स क्या होगी, स्टैंड करी खड़ी होगी। ये लिख लेता अपन, नर्स ऑलवेज स्टैंड अफेक्टेड साइड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछता है एग्जाम में हर बार कि जो नर्स है जो पेशेंट के कौन सी साइड में स्टैंड करी या खड़ी होगी, तो हमेशा याद रखना कि जो अफेक्टेड साइड है पेशेंट का उस साइड में क्या होगी, खड़ी होगी हमेशा। उसके बाद देखते हैं अपन इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जो क्रच है इसका यूज कर रहा है पेशेंट, तो एक स्टेप में अपन चलेंगे क्रच से, तो एक स्टेप में कितने डिस्टेंस वो लेगा, इसमें एक कितनी चलेगा, तो देखते हैं वन स्टेप गैप, तो उसमें लेगा 6 to 10 inch या 25 centimeter। अपन क्रच ले रहे हैं, क्रच का यूज़ कर रहे हैं, तो क्रच में एक स्टेप में कितनी रखेंगे आगे, फॉरवर्ड कितनी लेंगे, तो उसमें कितने लेंगे 6 to 10 inch या 25 centimeter। इतना क्लियर। इसके बाद देखेंगे अपन अगर पेशेंट रेगुलर्स का यूज़ कर रहा है क्रच का और उसके पाल में टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, तो पेशेंट को बोलना है कि तुरंत स्टॉप करना है वॉकिंग, क्योंकि ये अर्ली कॉम्प्लिकेशन है किसका, इसका क्रच वॉकिंग का, क्योंकि आपने बताया था कि अभी जो ब्रेकियल फ्लेक्सिस डैमेज हुआ था, ये इसका अर्ली कॉम्प्लिकेशन है कि अपने पाम पे हैंड में क्या आ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है। तो एक लिख लेते हैं, वैन पेशेंट हैव टिंगलिंग सेंसेशन इन पाल्म, देन स्टॉप एम्बुलेटिंग। तुरंत पेशेंट को बोलना है कि एम्बुलेटिंग क्या करना है, स्टॉप करना है। इसके बाद देखते हैं अपन जो पेशेंट जो इसका क्रच का यूज करेगा, तो हमेशा ऑलवेज क्या करना है, उसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड देखना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो आज अपन ने डिस्कस किया क्या, क्रच वॉकिंग फंडामेंटल का छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्या, क्रच गेट। तो आज अपन ने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले देखा अपन ने क्रच की हाइट क्या हुई, पर्सन हाइट में से क्या कर देंगे 16 inch क्या कर देंगे, लेस। उसके बाद देखा अपन ने एक्जिला और एडजिलर पार्ट के अंदर गैप कितना था, 2 to 3 finger। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो यहाँ से हैंड होल्ड करता है पेशेंट, तो पूरा वेट कहाँ डालेगा, हैंड रिस्ट पे। उसके बाद अपन देखा जो लेटरल गैप है पेशेंट और जो क्रच के बीच में जो लेटरल गैप है वो कितना होगा, हाफ फिट। उसके बाद अपन देखा जो वन स्टेप अपन लेंगे क्रच से, तो उसका तो कितना लेंगे, तो अपन ने बताया था 6 to 10 inch या 25 centimeter। उसके बाद देखा अपन ने अगर पेशेंट के पाम में टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, तो पेशेंट को बोलना है कि तुरंत स्टॉप करना अपना एम्बुलेटिंग, तुरंत वॉकिंग को क्या करना है, स्टॉप करना है। ये अपन ने देखा आज के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्रच गेट। तो आज का टॉपिक इतना ही।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।